अक्सर कहा जाता है कि प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, पर अब उल्टा हो रहा है। भोटा नगर पंचायत बस अड्डे में पहली बार देखने को मिल रहा है कि खुद ही दुकानदार अपने खोखे उखाड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है किराया। हिमाचल परिवहन निगम हमीरपुर ने खोखा धारकों को नोटिस जारी किए थे कि नए एग्रीमेंट के हिसाब से 11 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। वहीं 31 मार्च को खोखे धारकों के किराए की अवधि समाप्त हो चुकी है। हिमाचल परिवहन निगम हमीरपुर ने खोखे धारकों को 2 महीने का किराया माफ करने की अर्जी हेड ऑफिस में भेजी है ताकि खोखा धारकों को राहत मिल सके। कोरोना जैसी महामारी व लॉकडाउन के कारण खोखा धारकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि बस अड्डे में हिमाचल परिवहन निगम की बस जरूर आ रही थी, पर बसों में सवारियां कम ही बैठ रही थी। खोखा धारक भी इससे अछूते नहीं रहे थे। खोखा धारकों का कहना है कि वे इतना किराया कहां से लेकर आएंगे। इन खोखा धारकों की फरियाद है कि प्रशासन उनकी सुने तथा उन्हें भी राहत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि नए एग्रीमेंट के हिसाब से एडवांस में 11 महीने का किराया देना मुश्किल है, और अगर यही हाल रहता है तो खोखा धारक अपनी दुकान उखाड़ने पर मजबूर होंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के RM विवेक लगनपाल का इस मुद्दे पर कहना है कि खोखा धारकों को किराए का नोटिस जारी किया गया था। मार्च महीने में किराए की अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि नए एग्रीमेंट के हिसाब से खोखा धारकों को 11 महीने का किराया एडवांस में देना होगा। वहीं अप्रैल और मई महीने के किराए की माफी की अर्जी हेड ऑफिस में भेजी गई। एच टुडे के लिए भोटा से रमन की रिपोर्ट।